Hello guys, welcome back on your favorite channel XOAD. This is Ray and today I'm going to show you guys Adobe Muse tutorial part 3 जिसमें मैं आप लोगों को बताया था कि कैसे अपने डिजिटल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो उसकी ये थर्ड पार्ट है और ये आखिरी पार्ट है। चलिए देखते हैं कि क्या करना है। सो हम लोग म्यूज़ के अंदर हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा कि इस ट्यूटोरियल में मैंने बहुत समय लगा दिया क्योंकि मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो यहाँ पे लास्ट ट्यूटोरियल है, इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं इफ़ेक्ट्स दूँगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने इसे मटेरियल डिज़ाइन बनाया था, तो मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे जो बैकग्राउंड से ये जो है, मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस पर आप दिख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड से काफ़ी चिपकी हुई है। तो मटेरियल डिज़ाइन में एक्चुअली क्या होता है कि वो बैकग्राउंड से थोड़ी उठी होती है, तो वही बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लिक करना है, मैं आपको एक बता देता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट कर दूँगा। उसके बाद दोनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके आप दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इफ़ेक्ट्स पे जाऊँगा, उसके बाद शैडो पे क्लिक करूँगा। तो इसके नीचे देख सकते हैं आप लोग, शैडो आ चुका है, बट मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे काफ़ी कम चाहिए, ये 4 बढ़िया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि के नीचे शेडो आ चुकी है और ये बैकग्राउंड से काफ़ी उठी हुई लग रही है। तो यही सारे इफ़ेक्ट मुझे हम मेरे सारे इसमें इस सब में चाहिए। तो कैसे करते हैं देखते हैं। मैं क्या करूँगा, इस सारे को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ये सारे को सिलेक्ट कर लूँगा, होल्ड शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और सिलेक्ट करते जाना है। ओके, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है, शैडो पे क्लिक करना है और शैडो आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे कम करके 4 पे कर देना है। आप लोग कितने भी कर सकते हैं, बट ये 4 में ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो इसलिए मैं इसे 4 में रख दूँगा। अब प्रीव्यू इन द ब्राउज़र करें, तो बूम, ये देखिए अब दिखने में काफ़ी बेटर लग रहा है। अभी हमें क्या करना है कि हमें कनेक्ट करना है दोनों को, मतलब इसमें अबाउट पे दबाया तो अबाउट की पेज खुल जाए और होम को दबाया तो होम की पेज खुल जाए। अभी तक हम लोगों ने लिंक नहीं किया है ये दोनों पेज को, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मास्टर पेज पे जाऊँगा। मास्टर पेज पे इसलिए गया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे को मैं सारे में एक ही करके ना बनाऊँ, एक ही में मैं बना दूँ। उसके बाद विजिट एंड लाइब्रेरी पर जाना है, मेन्यू पर क्लिक करना है और हॉरिजॉन्टल मेन्यू को ड्रैग करना है। आप लोगों ने हमारा ये मेन्यू का प्रोसेस नहीं देखा है तो प्लीज़, पीछे मैंने इसका वीडियो बनाया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा इस वीडियो की लिंक, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं कि कैसे नेविगेशन मेन्यू बनाते हैं। इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद होम को सिलेक्ट करके इसकी बैकग्राउंड कलर मुझे नहीं चाहिए, उसके बाद मुझे इसकी बैकग्राउंड कलर चाहिए ही नहीं, तो मैं सबको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, अब रोल ओवर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है और रोल ओवर की टेक्स्ट मुझे चाहिए ब्लू, ठीक है, इस टाइप की ब्लू, थोड़ी नीचे, ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं थोड़ा ट्रांजेक्शन दे देता हूँ, फेड और ये 0.5 मीटर, और ये दोनों में अप्लाई हो चुका है सेम। ठीक है, आप लोग एक्टिव पेज पे भी सेट कर सकते हैं, तो मैं एक्टिव पेज पे भी सेट कर देता हूँ। एक्टिव पेज पे, एक्टिव सेट पे मैं करूँगा इसको रेड और रेंज, येलो, सही है। ठीक है, तो ये हमारा पेज पे कनेक्ट हो चुका है, देखिए सारे पेज पे विजुअल है। ऊपर मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे आ गया, फिर ये अबाउट पे भी आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसे प्रीव्यू साइट इन ए ब्राउज़र एंड टडा, देखिए ये एक्टिव है तो इसके ऊपर ऑरेंज कलर है, मैं रोल ओवर लेके जा रहा हूँ तो ये अबाउट पे आ जा रहा है। तो अबाउट पे क्लिक करते ही ये अबाउट पेज में चली गई। तो इस तरीके से आप क्लिक, इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं और
शैडो इफेक्ट दे सकते हैं। तो यही था हमारा इस वीडियो में। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर हमें हमारी और वीडियो को आप मिस करना नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर लें एंड हमारा प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो बनाए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो उसे प्लीज़ चेक कर लें और देखें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद XOAD। पीस, जय हिंद।